हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप दैट इज फाइन। वेलकम टू डोंट टॉक डॉक्टर वंस अगेन। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स के सवाल आ रहे हैं सैमसंग M30s को लेके और एंड्रॉयड 10 की अपडेट के बाद। एंड जैसे इनमें से मैं कुछ बताऊंगा, इनमें से आपका कोई भी इशू है तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। जैसे हीटिंग इशूज़ होना, स्क्रीन का बंद हो जाना, परफॉर्मेंस में डिक्रीज होना, गेमिंग में मज़ा ना आना, ओवरऑल फ़ोन ऐसा लगना कि अभी हमने लिया और बिल्कुल बेकार फ़ोन हो गया। तो ये इन सब प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं और आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, चाहे सैमसंग M30s है, चाहे कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है जिसमें अपडेट हो चुका है एंड्रॉयड 10 और उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको सेफ मोड के बारे में बताऊँगा, जैसे मैं टाइटल पढ़ लिया हुआ। सेफ मोड आजकल अवेलेबल है हर एक डिवाइस में और इस पर काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी पहले कि आप बताएँ, समझाएँ कैसे कर सकते हैं इसको यूज़, क्या हैं इसके फ़ायदे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा डेमोंस्ट्रेशन दी जाएगी कैसे आपने यूज़ करना है, क्या हैं इसके फ़ायदे और इससे आपको किस किस प्रॉब्लम में हेल्प मिलेगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर हम नए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, टेक जो आप यूज़ करते हैं और हम यूज़ करते हैं, एंड एज अ डॉक्टर आई ऑल्सो अपडेट समटाइम्स हेल्थ वीडियो जो काफ़ी आपके लिए ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, सेफ मोड क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सेफ मोड एक आपको ऑप्शन दिया गया है अपने फ़ोन को चेक करने के लिए कि उसमें कोई आपने ऐसी कोई चीज़ तो डाउनलोड नहीं कर ली, ऐसी कोई ऐप तो डाउनलोड नहीं कर ली जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर इशू की वजह से हो सकती हैं। अगर आपने सब कुछ कर लिया है, जैसे मैं आपको टिप्स देता रहता हूँ कि फ़ोन की मेमोरी को ऑप्टिमाइज़ कर लो, सेटिंग्स में जाके उसका कैशे क्लियर कर दो, ये चीज़ें अगर आपने करी हुई हैं फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो जिसने ये वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में है, जाके देख लें कैसे कैसे ये करना है। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपके में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है। अगर हार्डवेयर में अगर आपका फ़ोन कहीं गिरा नहीं है तो हार्डवेयर का इशू हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। ज़रूर आपने कोई ऐसी ऐप डाउनलोड कर ली है या गलती से या आपसे डाउनलोड हो गई है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो चेक करने के लिए सेफ मोड दिया गया है। सेफ मोड से आपको पता लग जाता है कि किस ऐप की वजह से, क्योंकि जैसे कोई ऐप आपने करी और उसके बाद प्रॉब्लम आई, और जब आप सेफ मोड यूज़ करेंगे तो सेफ मोड में सभी ऐप्स चली जाएंगी, सिर्फ ज़रूरी ऐप्स आपकी जो डिफ़ॉल्ट होती हैं वही चलेंगे। और उसमें अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मतलब आपका फ़ोन बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो गया सेफ मोड में, तब इसका मतलब यही है कि जो भी आपने पहले वो लेटेस्ट ऐप डाउनलोड करी है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसको डिलीट करें, उसको बाहर निकालें और फिर यू विल गेट योर फ़ोन बैक टू नॉर्मल। तो वो मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ किस तरह से आपको वो चेक सॉफ्ट सेफ मोड ऑन करना है। पूरा डेमोंस्ट्रेशन दिया जाएगी, फ़ोन पर दिखाऊँगा और ये आपको फायदे होने वाले हैं। जैसे ही आप सेफ मोड में ऑन कर लेंगे आपका फ़ोन ऑन होगा, उसमें जैसे स्क्रीन चली जाती थी वो होना बंद हो जाएगा, हीटिंग इश्यूज़ नहीं होंगे, चार्जिंग फास्ट होने लग जाएगी फिर से, तो मतलब एक आपको ऐसा लगेगा कि आपके फ़ोन में जान आ गई और जो जो प्रॉब्लम आपके मेन पहले आ रही थी वो बिल्कुल चली जाएंगी। तो वो सेफ मोड में आपने जब ऑन कर लेना है उसके बाद आपने याद रखना है कि मैंने किस ऐप को लास्ट डाउनलोड किया था उसके बाद ये प्रॉब्लम आई, तो वही ऐप आपकी कल्प्रिट है, उसको आपने डिलीट कर देना है और आपका फ़ोन फिर से भला चंगा हो जाएगा। तो अब आपको लेके चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, पूरा दिखाते हैं कैसे करना है मोड ऑन। चलिए स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा फ़ोन, तो इसको आपने सेफ मोड में कैसे ऑन करना है, जस्ट पावर ऑफ करेंगे और पावर ऑफ को जब आप यहाँ दबाएंगे तो ये देखिए, तभी ये पूछता है कि यू वॉन्ट टू गो टू सेफ मोड और येस, टैप अगेन, अब ये अपने आप बंद हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम सेफ मोड में आपका फ़ोन अपने आप रिस्टार्ट होके ओपन हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। जैसे ही आप ये टेस्ट कर लेंगे, सेफ मोड में ऑन कर लेंगे, आपको प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी, आपको पता लग जाएगा कौन सी ऐसी ऐप है जो कि कल्प्रिट है। अब देखिए रिस्टार्ट हो रहा है और अब ये सेफ मोड में ऑन होगा। पूरा डेमो आपको दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी की रिक्वेस्ट आई थी कि आप बताएं कि कैसे सेफ मोड में इसको यूज़ करना है। बिल्कुल सिंपल तरीका, जैसे मैंने आपको बताया, जस्ट अब आपको अपने आप ये सेफ मोड में ही ऑन होगा क्योंकि हमने सेफ मोड वाला ऑप्शन अभी आपके सामने दिखाया था।
तो ये देखिए नीचे आ रहा हुआ लिखा सेफ मोड। अब इस मोड में आप इसको चार्जिंग के लिए टेस्ट कर सकते हैं। फोन इज स्टार्टिंग इन सेफ मोड, तो इस तरह से कुछ स्टार्ट होता है, तो आपको आइडिया लग जाए इसलिए मैंने बताया। तो ये देखिए सब ब्लैक एंड वाइट, ये जो ऐप्स आपको ब्लैक एंड वाइट दिख रही हैं इसका मतलब है ये सब ऐप्स डाउनलोडेड की गई हैं और ज़रूरी ऐप्स नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ वही ऐप्स कलर्ड में दिखेंगी जो आपके फ़ोन को चला रही हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी सारी फालतू की ऐप्स जो आपने डाउनलोड कर रखी हैं वह सब ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे। और ऊपर आ रहा है सेफ मोड इज़ ऑन, और इस ऑप्शन से आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो इसके बाद इसको टेस्ट कर लें, चार्जिंग में जो भी प्रॉब्लम आपकी आ रही है देखें वो उसमें गई या नहीं गई, डेफिनेटली आपको पता लगेगा कौन सी ऐप से वो प्रॉब्लम गई थी। और फिर इसको निकलने के लिए इसको ऑफ कर दें, पावर ऑफ करेंगे तो नेक्स्ट टाइम अपने आप दिस विल गो एंड इट विल स्टार्ट नॉर्मली। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने देख लिया, आप सेफ मोड ऑन करके अपने फ़ोन को जज कर सकते हैं, उसमें से जो कीटाणु वाली ऐप है उसको बाहर निकाल सकते हैं और आपके फ़ोन को बैक टू नॉर्मल कर सकते हैं। तो जिस जिसको ये अच्छा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई भी प्रॉब्लम है, एक मेरे भाई तीन चार काफ़ी लोग मुझसे M30S के बारे में एक शिकायत लिख रहे हैं, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा। मैं आज भी कमेंट्स में बताया था, वो कह रहे थे कि इसमें 48 मेगापिक्सल के कैमरे में जब हम जाते हैं वो सेटिंग चलाते हैं तो जूम फंक्शन नहीं हो रहा है, अनेबल। तो क्या होगा उसका सलूशन, तो नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली इसी पे होने वाला है, तो आपकी रिक्वेस्ट जरूर पूरी की जाएगी। इसी तरह जो भी कमेंट बहुत ज़्यादा तादाद में पूछा जाता है कोई प्रॉब्लम, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो उसके ऊपर मैं वीडियो डेफिनेटली बनाता हूँ एज ए सोल्यूशन, जो भी उसका पॉसिबल होता है। तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।